Hello and welcome to SST only. Next topic है mineral occurrence in the sedimentary rocks. जैसे last lesson में हमने igneous और metamorphic rocks में देख लिया था minerals का formation, अब हम sedimentary rocks में देखेंगे. तो sedimentary rocks में ये bed और layer के formation में यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, यानी जो minerals deposit होंगे वो beds और layers के formation में होंगे. तो ये beds और layers का formation कैसे होता है, क्यों होता है? deposition की वजह से और accumulation की वजह से और साथ ही साथ concentration. अब ये जो डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन है ये हॉरिजॉन्टल स्टेटा में होता है. अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे तो ये वर्टिकल हो गया, और वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल. और ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे बेड और लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल स्टेटा में होता है. अब डिपोजिशन को समझने के लिए मैंने एक इमेज और लगा रखी है. स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे जो रिवर्स आएंगी वो डिपॉजिट करेंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो चीजें हैं यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगी और कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ ये सारी चीजें यहाँ पे बनती जाएंगी. तो बच्चे इस तरीके से बेड और लेयर्स के फॉर्मेशन में हमको इस टाइप की मिनरल्स देखने को मिलेंगे. अब होगा क्या सर, हीट एंड प्रेशर की वजह से ये जो मिनरल्स हैं इनको और प्रोसेस होते जाएंगे और कंपोज होते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोल की बात करें और कुछ टाइप ऑफ आयरन ओर्स की बात करें तो ये जो है ये बनते हैं सर लॉन्ग टाइम ऑफ हीट और जो प्रेशर जब इन पे एग्जर्ट होता है तो इस वजह से हमको बेड और लेयर्स के फॉर्मेशन में यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वहां पे इस टाइप के मिनरल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट, कुछ सेडिमेंट्री मिनरल्स जो है वो इवेपोरेशन की वजह से भी प्रोसेस होंगे पर यानी फॉर्मेशन होगा उनका, और स्पेशली एरिड रीजन्स में जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा कम है, जहाँ पे बारिश कम होती है, इस केस में इवेपोरेशन ज्यादा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे जिप्सम, पोटेशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट जो है वो हमको देखने को मिलेगा. सो इवेपोरेशन की वजह से और हीट और प्रेशर की वजह से दोनों में ही सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे देखा जाता है. चलिए कोल का फॉर्मेशन समझते हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में हीट और प्रेशर की वजह से बनेगा. सबसे पहले यहाँ पे हम एक रिवर बैंक की बात कर रहे हैं जिसके रिवर बेड्स में स्वैम्स हैं, यानी जो एक प्लांट्स आसपास में यहाँ पे होंगे. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो जाएगा, जितने भी इसे स्वैम्स वाला पोर्शन है वो सॉइल और मड से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढक जाएगा. जैसे जैसे ईयर पास होते जाएंगे यानी टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे जो वेट है ग्राउंड का वो डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन की वजह से बढ़ता जाएगा, और उसके नीचे वाले ये जो स्वैम्स है जो प्लांट्स डाइड हो चुके हैं इनमें अर्थ की हीट इंक्रीज होती जाएगी और ये जो डेड प्लांट्स हैं ये कोल में कन्वर्ट होते जाएंगे, जैसे कि आप ये वाली बेल्ट यहाँ पे देख रहे हो. और क्या होगा, और हीट बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ेगा, और वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को यहाँ पे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और बचेगा क्या, सिर्फ इन प्लांट्स में कार्बन बचेगा जो कि कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे हमको कोल मिल जाएगा. तो इस तरीके से हीट और प्रेशर में हमने सेडिमेंट्री रॉक्स में देखा कि कैसे कोल का फॉर्मेशन होता है, और यही रीजन है कि काफी इंपॉर्टेंट जो रीजन है सेडिमेंट्री रॉक्स वो एक कोल का रिजर्व माना जाता है यहाँ पे. अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम सरफेस के रॉक जो डिकम्पोज हो गए, यानी कोई रॉक है वो डिकम्पोज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसमें से भी हमको डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे. अब क्वेश्चन आता है कि ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे काम करता है यहाँ पे बच्चे. अब कोई भी एक सरफेस रॉक है, ठीक है, जो यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ है वो डिकम्पोज होगा और उसको यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे वो इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से हो रहा है यहाँ पे, किसी वजह से डिकम्पोज हो सकता है. तो उसमें सॉल्यूबल पार्ट्स भी होंगे सर, वो जो होंगे वो वॉश डाउन हो जाएंगे जो यहाँ पे इजिली वाटर सॉल्यूबल होंगे, और जो भी बचेगा वो हमारा एक मटेरियल बचेगा यहाँ पे, और हो सकता है कि उसमें कोई ओर्स छुपी होंगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉक्साइट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ना, वो इसी वजह से यहाँ पे होता है. तो मैंने ये इमेज भी लगा रखी है. तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें जो फॉर्मेशन है वो सरफेस रॉक के डिकम्पोजिशन की वजह से यहाँ पे हमको मिनरल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. अब कुछ फॉर्मेशन होंगे बच्चे यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स में. अब एलुवियल जो सॉइल है वो आपने पढ़ रखी होगी यहाँ पे, और इस टाइप के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं यहाँ पे बच्चे, ठीक है. कहाँ कहाँ पे मिलेंगे सर, जहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स जो है वो काफी ज्यादा होंगे. फॉर एग्जाम्पल द वैली फ्लोर्स, यानी जो वैली है उसके फ्लोर्स में, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये इमेज बनाऊँ तो आप देख रहे होंगे एलुवियल सेडिमेंट जो है यानी जो वैली का फ्लोर है बच्चे यहाँ पे सर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ये अपने साथ लेके आते हैं और फ्लोर में जाके डिपॉजिशन यहाँ पे हो जाता है, या फिर हिल के बेस वाले एरियाज में देखने को मिलेंगे. इनको हम प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं बच्चे यहाँ पे. और यहाँ पे जो मिनरल्स मिलेंगे, क्योंकि वाटर यहाँ पे जो है सर वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे यहाँ पे, तो वाटर रेसिस्टेंट मिनरल्स होंगे जो वाटर को यहाँ पे क्या करेंगे सर, वो रेसिस्टेंट होंगे यहाँ पे. सो प्लेसर डिपॉजिट में हम वो मिनरल्स की बात करेंगे बच्चे जो वाटर से कोरोड नहीं होंगे, यानी सर वो टूटेंगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है. तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है.
अब क्वेश्चन आता है कि कुछ मिनरल्स हमको ओशियन वाटर्स में भी देखने को मिलते हैं बच्चे यहाँ पे, और ओशियन वाटर्स की अगर बात करें तो न्यूमरस मिनरल्स हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ओशियन से काफी लार्ज है और उसमें काफी दूर दूर पे हमको ये मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबिलिटी है ना उसकी क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से हमको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ये कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे ओशियन डिराइव्ड मिनरल्स हैं। यहाँ पे कुछ रिच ओशियन बेड्स होते हैं बच्चे यहाँ पे, हम जो बात करते हैं कि वो काफी ज्यादा हमको एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाएंगे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है मैग्नीज नोड्यूल्स। अब मैग्नीज नोड्यूल्स ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कैसे बनते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये अलग अलग मिनरल्स हैं, अलग अलग मिनरल्स क्या होंगे, एक साथ एक यहाँ पे आएंगे और एक साथ आने के बाद मैग्नीज का नोड्यूल्स बना देंगे बच्चे यहाँ पे। अब मैग्नीज इसमें एक इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन मैग्नीज के अलावा भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये इमेजेस लगा रखी है, तो ये मैग्नीज नोड्यूल्स है, और इस इमेज में आप देख सकते हो कि मैग्नीज के साथ साथ निकल, कॉपर, कोबाल्ट, मॉलिबेडनम, ये सारे भी और एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो ये हमें ओशियन बेड से भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स का, कि मिनरल्स को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम उनको मिनरल्स को क्लासिफाई करें तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मेटलिक, नॉन मेटलिक और दी एनर्जी मिनरल्स। अभी अपनी कन्वीनियंट के लिए हम मेटलिक और नॉन मेटलिक को देखते हैं। मेटलिक में सबसे पहले आ जाएगा फेरस। फेरस का जहां पे भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आयरन का एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गई, निकल हो गई, कोबाल्ट हो गई, तो इन सब में कुछ पोर्शन ऑफ आयरन का एग्जिस्ट होगा। नेक्स्ट जो मेटलिक में क्लासिफिकेशन है वो है नॉन फेरस, जिसमें आयरन का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। नेक्स्ट एक अलग कैटेगरीज है प्रीशियस, सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। अभी जैसे हमने देखा गोल्ड, सिल्वर वो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं और वो वाटर को रेसिस्ट करेंगे, यानी कोरोजन फ्री हैं यहाँ पे। अब आते हैं नॉन मेटलिक, जिसमें मेटल कोई भी नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन, इस टाइप के जितने भी यहाँ पे मिनरल्स होंगे वो नॉन मेटलिक कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो मेजर मिनरल्स की हमने टू क्लासिफिकेशन देख ली, एक मेटलिक हो गई, एक नॉन मेटलिक हो गई। मेटलिक में थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, फेरस जिसमें आयरन का कंटेंट होता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन का कोई भी कंटेंट नहीं होता है, और प्रीशियस गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। उसके बाद नॉन मेटलिक की बात करेंगे, इसमें कोई भी मेटल का एलिमेंट नहीं होगा और ये सारे क्लासिफिकेशन है। तो आप इसको यहाँ पे एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा यहाँ पे जो मिनरल्स है वो किस कैटेगरीज में आता है। और उसके बाद आते हैं एनर्जी मिनरल्स, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गया। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है मिनरल्स का, जो हम इसको हम डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में एक चीज और दे रखी है, रैट होल माइनिंग, जो ये रिलेट करती है यहाँ पे कोल के माइनिंग से। अब स्पेशली होता क्या है बच्चे यहाँ पे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सो नॉर्थ ईस्ट में क्या था ना, ये छोटे छोटे से होल बना के यहाँ पे, एक छोटा होल बना के बच्चों को भेजा जाता है। बच्चों को क्यों, क्योंकि ये स्मॉल होल होता है और वहां पे जाके बच्चों से माइनिंग करवाई जाती है। ये मेघालय जैसे एरियाज में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है और डोमिनेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे इवन एनजीटी, एक दो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इस टाइप की जो एक्टिविटीज थी उसको इलीगल कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की जो यहाँ पे हेल्थ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कभी कभी रिस्क भी रहता है उनकी लाइफ का भी यहाँ पे, बिकॉज ये कोलैप्स हो जाती हैं, ये जो रैट होल माइनिंग है। यानी जैसे नॉर्मली अगर हम इसको लिटरल लेमेंस लैंग्वेज में समझें तो जैसे चूहे वाली यहाँ पे जो होते हैं ना, वो बिल बनाते हैं, इसी टाइप का बिल बना के यहाँ पे किया जाता है, बिकॉज ये काफी चीप मेथड है एक्सप्लॉइट करने का कोल्स को, लेकिन ये काफी रिस्की मेथड है यहाँ पे बचे। अभी एक पैसेज में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको चार क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे फ्रेम करके पूछ लिए जाए। एनसीईआरटी में एक चीज और दे रखी है आपकी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन पिट माइनिंग, क्वेरिंग एंड द अंडरग्राउंड माइन। तीनों में ही हम क्या करेंगे, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए गड्ढा खोदेंगे, लेकिन इन गड्ढे की जो डेप्थ है उसके बेसिस पे हम इनको यहाँ पे कैटेगराइज कर देंगे। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे एक पिट को डग करते हैं ग्राउंड में, तो वो ओपन पिट माइनिंग हो जाएंगी। क्वेरिंग की बात करेंगे यहाँ पे तो शेलो, दैट इज नॉर्मली डेप्थ से कम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 50 मीटर की डेप्थ करी यहाँ पे और ये 25 मीटर की डेप्थ है यहाँ पे, और अंडरग्राउंड में हम 100 टू 200 मीटर तक हम यहाँ पे जाते हैं, सिंपली हमको ज्यादा डीप शाफ्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है अंडरग्राउंड माइनिंग करने के लिए। तो हम डेप्थनेस के बेसिस पे बच्चे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं और डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब इंडिया के अगर हम मिनरल्स के रिसोर्सेज की बात करें, तो कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमको सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इंडिया में जो मिनरल्स के रिसोर्सेज है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेनिनसुलर एरियाज की बात करेंगे, यहाँ पे जो रॉक्स मिलते हैं इसमें हमको कोल मिलेगा, मेटलिक मिनरल्स मिल सकते हैं, माइका मिल सकता है और नॉन मेटलिक मिनरल्स मिल सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो गुजरात में है
और आसाम में सर वो हमको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स कुछ पोर्शन दिलवाती हैं। अब ये सारा एमसीक्यू का फॉर्डर है, इसीलिए आप इस तरीके का स्टार बना सकते हो, सो दैट आप जब नेक्स्ट टाइम पे इसको रिवाइज करोगे तो आपको पता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए जी कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जहाँ से पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिल सकता है, गुजरात और आसाम उसका आंसर होंगे। राजस्थान की बात करेंगे, जो पेनिनसुलर रॉक सिस्टम है वहाँ पे हमको नॉन फेरस मिनरल्स मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में जो एलुवियल प्लेन है वहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक मिनरल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमको जियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, कहीं हिमालयाज हैं, कहीं प्लेन है, कहीं पेनिनसुलर रीजन है, प्रोसेसेस जो है फॉर्मेशन के वो डिफरेंट है यहाँ पे। अगर जैसे पेनिनसुलर एरियाज की बात करें तो वो वहाँ पे जो लैंड है वो लावा से डिराइव्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो वो सबसे स्टेबल लैंड है। और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें यहाँ पे, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का प्रोमिनेंस ज़्यादा है क्योंकि हिमालयस के फॉर्मेशन की वजह से। तो यही रीज़न है हमको डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स अलग अलग जगह से यहाँ पे मिलते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हम डेक्कन वाले एरियाज़ की बात करें या पेनिनसुलर एरियाज़ की बात करें, तो वो काफ़ी ओल्ड है कंपेयर टू द हिमालय, जिसको हम यंग फोल्ड हिमालयस बोलते हैं। आई थिंक आप ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब मेजर मिनरल्स इंडिया की अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे, कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक वायबिलिटी। उसका मतलब क्या है कि जो हाँ जहाँ पे भी मिनरल्स को माइन करेंगे वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होना चाहिए। सर एक्सट्रैक्शन जो है उसका वो इजी होना चाहिए, ज़्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए, और जो मार्केट है उसके पास में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो डायरेक्टली आप उसको यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके मार्केट में बेच के उसको प्रोसेस करने के लिए भेज सकते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अगर एक बार आपने ये सारी चीज़ों को एनालाइज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप माइनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे किस तरीके के मैप सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आइडेंटिफाई में आएगा और लोकेट एंड लेबल में आपका इस चैप्टर से ये टॉपिक्स आएंगे, यानी ये मैप सेक्शन यहाँ पे आएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है आयरन ओर माइंस कौन कौन सी हैं, मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडिला, बेलारी, कुद्रेमुख, कोल माइंस, रानीगंज, बोकारो, तालचेर, नवेली, वाइल्डफील्ड, दिग्बोई, नहरकटिया, मुंबई हाई, बेसिन, कलोल, अंकलेश्वर, और ये लोकेट और लेबल करना है आपको यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पावर प्लांट्स की बात करेंगे तो थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर में हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। थर्मल जिसकी जो एनर्जी है वो कोल से डिराइव होगी, और थर्मल अगर सॉरी न्यूक्लियर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या बात करें, रेडियो एक्टिव हम एलिमेंट्स को यूज करते हैं यहाँ पे। तो थर्मल कौन है, नामरूप, सिंगरौली और दी रामागुंडाम। न्यूक्लियर की बात करेंगे, नरोरा, ककरापारा, तारकपुर और कल्पक्कम। तो ये सारे हम लोकेशंस को मार्क करेंगे आफ्टर दी चैप्टर। फेरस मिनरल्स इन इंडिया, सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, तो जितना भी मेटलिक मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है उसमें से जो फेरस मिनरल्स है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 75% है, दैट इज 3/4 है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप स्टार बनाएंगे अपने एमसीक्यू के लिए। ये इंपॉर्टेंट है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए। और इंडिया के अगर हम बारे में देखेंगे तो ये कंज्यूमर है, यानी हम ज़्यादातर अपनी जो मेटलर्जिकल फेरस मिनरल्स हैं उसको हम खुद ही यूज करते हैं, और बाकी जितना बचता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आयरन ओर, यानी जो फेरस मिनरल्स होगा उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं आयरन ओर, क्योंकि आयरन का कंटेंट होगा इसमें। आयरन काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो मशीन्स होंगी वो आयरन से ही बनेंगी यहाँ पे। इंडिया में हाई क्वालिटी आयरन ओर रिजर्व्स अवेलेबल हैं। अगर हमको क्लासीफाई करना होगा आयरन ओर, तो सबसे पहले हम मैग्नेटाइट ओर की बात करते हैं, जिसमें 70% आयरन होता है यहाँ पे, और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट कैटेगरीज में आता है हेमिटाइट ओर, जो कि यहाँ पे आयरन की क्वालिटी कम होती है, दैट इज 50-60% होती है, और ये कॉमनली हम यूज करते हैं अपने घरों में कंस्ट्रक्शन में। मेजर आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है 2018-19 के अकॉर्डिंगली, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, ये कुछ मेजर पोर्शन है, और बाकी के कुछ और स्टेट्स हैं जो माइनर प्रोड्यूस करते हैं। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, ये चार एरियाज ऐसे हैं जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आयरन ओर का। अब आयरन ओर बेल्ट की बात करते हैं बच्चे, जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सबसे पहले है ओडिशा झारखंड बेल्ट यहाँ पे, कि ये जो ओडिशा वाली और झारखंड बेल्ट कौन सी है। तो लोकेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ओडिशा मयूरभंज, ठीक है, सबसे पहले मयूरभंज। तो अगर आप, मैं आपको जो ये इमेज लगाई है मैंने, तो इसको मैं सर्कल करता जाऊंगा आपको पता चल जाएगा, एंड दी केंदुझार डिस्ट्रिक्ट, तो ये इसी के पास में, तो ये ओडिशा वाला एरियाज होगा। झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसी के आसपास वाला एरियाज है, इट इज नॉट मेंशन इन द मैप, तो इसी के आसपास वाला एरियाज की हम यहाँ पे बात करेंगे। आयरन कौन सी ओर मिलेगी हमको, तो हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर मिलेगी, जिसमें आयरन का कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा है बच्चे। नोटेबल माइंस कौन कौन सी है, दैट इज बादाम पहर ओडिशा में है, गोवा, नावमुंदी झारखंड में। अब ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओडिशा झारखंड बेल्ट में जो ओर टाइप है, यानी जो
आयरन की जो ओर मिलेगी वो किस टाइप की मिलती है यहाँ पे, तो वो हेमेटाइट ओर की है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी माइंस इंपॉर्टेंट है, बादाम पहर ओडिशा में है, गोवा नौमुंडी झारखंड में। अभी आपके आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें मैप सेक्शन के लिए जितना मैंने आपको बताया था सीबीएसई में दे रखा है मैप, उतना ही हमको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो यहाँ पे मेंशन है दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो लोकेशन छत्तीसगढ़ हो गया और दी महाराष्ट्र हो जाएगा यहाँ पे। ओर टाइप कौन सी है, सर यहाँ पे भी हेमेटाइट ओर हमको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी यहाँ पे माइंस है इंपॉर्टेंट, बेलाडिला रेंज ऑफ माइंस है छत्तीसगढ़ में, तो ये जो मैंने एनसर्किल कर रखी है ये सारी चीज आ जाएगी। स्पेशल फीचर क्या है यहाँ पे, 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर मिले हैं। अब ये जो बहुत ही माइनर इन्फॉर्मेशन है इनको आप निकलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर हाँ अगर लॉन्ग आंसर आता है तो उसमें आपको ये सारी चीजों को मेंशन करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे ये इस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है, जैसे इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिया कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है, तो यहाँ पे जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, कहाँ कहाँ, जापान साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट मैंने अभी एनसर्किल किया आपको यहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए, इसके थ्रू हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं कहाँ पे, जापान एंड साउथ कोरिया वाले एरियाज में। नेक्स्ट इज बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु टुमकुरु बेल्ट, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे। लोकेशन क्या है, ये कर्नाटका में है यहाँ पे, और ये जो ऐसा मैंने यहाँ पे ये जो आप देख रहे होगे यहाँ पे जो मैं रेड लाइंस यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये वाला एरियाज की हम बात कर रहे हैं। आयरन रिजर्व्स काफी लार्ज है यहाँ पे। नोटेबल माइंस कौन कौन सी है, कुद्रेमुख कर्नाटका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मैंने एनसर्कल किया आपको यहाँ पे वो वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में। स्पेशल फीचर्स क्या है, लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स है ग्लोबली। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है और यहाँ पे जितना भी बनती है वो सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं विद स्लरी ट्रांसपोर्टेशन टू दी मंगलुरु पोर्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पढ़ता ही होना चाहिए, यानी एक तरीके से आपको रट्टाफिकेशन करना ही करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट आ जाती है यहाँ पे बच्चे, वो ऊपर वाली बेल्ट है जो कि ये डी चीज से यहाँ पे जो डी मेंशन है, तो इसमें जो टू पॉइंट्स हैं ये दोनों इस चीज में आ जाएंगे, गोवा एंड दी महाराष्ट्र बेल्ट। लोकेशन गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। ओर की क्वालिटी की बात करेंगे तो हाई क्वालिटी नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, इसको हम अपने कंजम्पशन में ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक्सपोर्ट किया जाता है जिसमें मारमेगांव पोर्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले में सिर्फ मैप सेक्शन आ रहा है, तो उसमें हम ये सारे पोर्ट्स को भी हमको यहाँ पे देखेंगे।